नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के आकस्मिक दुर्घटना में मृत 7 छात्र छात्राओं के परिजनों को विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने सौंपा 1-1 लाख रुपए का चेक। जिन छात्र छात्राओं के परिजनों को छात्र दुर्घटना बीमा योजना का चेक प्रदान किया गया, उनमें उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेंट जेवियर्स की छात्रा स्वर्गीय स्वयं भारती, जिनकी मृत्यु सीढ़ी से गिरने पर हुई थी, के पिता शैलेंद्र भारती, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पंडरीपानी के स्वर्गीय कार्तिक, जिनकी मृत्यु आकस्मिक रूप से हुई थी, की माता प्रेमवती, प्राथमिक शाला कोरपाल नियानार की स्वर्गीय आसवती मंडावी, जिनकी मृत्यु पानी में डूबने से हुई थी, के पिता कुरसो मंडावी, प्राथमिक शाला कोरपाल के स्वर्गीय सुखदेई बेड़मा, जिनकी मृत्यु पानी में डूबने से हुई थी, के पिता सुखराम बेड़मा, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महारानी लक्ष्मीबाई कन्याशाला क्रमांक 1 की छात्रा स्वर्गीय मनवती मौर्य, जिनकी आकस्मिक मृत्यु हुई थी, के पिता राजमन मौर्य, प्राथमिक शाला तितिर गांव की छात्रा स्वर्गीय दुलारी बघेल, जिनकी मृत्यु बीमारी के कारण हुई थी, के पिता सुखचंद, और प्राथमिक शाला धर्मपुरा नंबर 2 के छात्र स्वर्गीय अमित मित्रा, जिनकी मृत्यु फिसलने से हुई थी, उनके पिता अधीर मित्रा को विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव रेखचंद जैन के द्वारा 1-1 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। इस अवसर पर हितग्राहियों को संबोधित करते हुए विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर आकस्मिक दुर्घटना में मृत छात्र छात्राओं के परिजनों को तत्काल छात्र दुर्घटना बीमा योजना की राशि प्रदान की जा रही है। पूर्व की सरकार में जहां यह राशि 10,000 रुपए की थी, हमारी सरकार में 10 गुना बढ़ाकर आज 1 लाख रुपए प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि बच्चों की आकस्मिक मृत्यु अपूरणीय क्षति है, जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है, पर आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके परिजनों को संबल प्रदान करने की कोशिश की जा सकती है। हमारी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ हर सुख दुख में खड़ी है। इस अवसर पर हितग्राहियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव रेखचंद जैन और शिक्षा विभाग का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव रेखचंद जैन के प्रयासों से आज उन्हें 1-1 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया है। इसके लिए वे कांग्रेस के संवेदनशील सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। बेटा 2020 में उस खेल रहे थे और गिरने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी और आज हमें छात्र दुर्घटना के तहत 1-1 लाख का चेक दिया जा रहा है माननीय श्री रेखचंद जी के द्वारा और विधायक जी के द्वारा और शिक्षा विभाग का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने सभी पेरेंट्स को मतलब छात्र दुर्घटना का बीमा योजना का लाभ दिया। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद सब पेरेंट्स की तरफ से। आज जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के 7 बच्चे जो कि आकस्मिक दुर्घटना में पढ़ाई के दौरान उनका निधन हुआ था, आज उन सभी परिवारों को, उनके जो गार्जियन हैं उनको बुलाकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ 1-1 लाख रुपए का छात्र दुर्घटना बीमा का चेक उनको सौंपा गया है। और छत्तीसगढ़ के हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इन सब परिवारों को सांत्वना दी है और हर परिस्थिति में साथ देने का वचन भी दिया है। और ये जो छात्र दुर्घटना बीमा है, पिछली सरकारों में महज 10,000 रुपये मिलता था, आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ये हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की संवेदनशीलता है, उसको 10 गुना राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपये का चेक ऐसी जो घटना होती है उसमें उनके परिजनों को दिया जाता है और आज हमने इस चीज़ को वितरण किया है और बहुत ही अल्प समय में इस समस्या का हम लोग निराकरण करते हैं। पहले सालों साल लोग घूमते रहते थे, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद ये प्रक्रिया बहुत सरल हुई है और जो भी घटना घटती है उसका प्रकरण पर तत्काल निदान करके हम उस परिवार को संबल प्रदान करने का काम लगातार कर रहे हैं।